ओम शांति। वेलकम टू मैजिक ऑफ सातयुग लाइफस्टाइल। आज हम आपको मिलाएंगे सोनिया जी से, जिन्होंने सातयुग लाइफस्टाइल अपनाकर बहुत सारे लंबी रोगों की लिस्ट थी उसको ठीक किया और आज महिलाओं को पीसीओडी या यूटर्स में सिस्ट, ऐसी ऐसी समस्याएं हो गई है जब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है पीसीओडी की, इरेगुलर पीरियड्स होना, ये कॉमन सी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन इनको जब सामान्य सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते और फिर वही जाके सिस्ट बनते हैं और कई अन्य रोग हो जाते हैं। तो सोनिया जी को कई सारे रोगों की लिस्ट थी, वो लिस्ट सामने आज आपको बताएंगे। ये बाधुगढ़ से हैं और इन्होंने सातयुग लाइफस्टाइल 2-3 महीने इन्होंने बहुत अच्छे से करते हुए हो गया और इनको क्या मैजिक हुआ ये आज बताएंगे। इनको मैं बता देता हूँ, गिना देता हूँ पहले रोग क्या क्या थे, ये नहीं गिना पाएंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनको मोटापा, इनका वेट नहीं लूज होता था, कई कई किलोमीटर ये सुबह शाम लगे रहते थे, एक भी इंच कम नहीं हुआ था। दूसरा, इनको किडनी में स्टोन थे। किडनी स्टोन का भी कई क्वेश्चन आते हैं कि सातयुग लाइफस्टाइल से ठीक हो सकता है, तो देखिए इनकी किडनी स्टोन भी निकल गई और साथ में इनको फैटी लीवर सेकेंड स्टेज का डॉक्टर ने बोल दिया था, तो उसमें कितना लाभ मिला। साथ साथ इनको सिस्ट है और उस सिस्ट को योग आयुर्वेद से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सोनिया जी, आप आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने आप मैजिक पाया, जादू हुआ सात्विक फूड से, बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है, मेरे साथ मैजिक हुआ है सच में। और मतलब मेरी इतनी सारी बीमारियां थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर ने तो मतलब डरा दिया था कि मुझे कि अब आप मतलब दवाइयों पे ही रहोगे। तो मुझे किडनी स्टोन था सबसे ज़्यादा, तो वो पेनफुल था, वो मतलब वो सात्विक लाइफ ज्वाइन करने से मुझे 15-20 दिन में ही आराम हो गया था, वो निकल गया। और फैटी लीवर था वो चला गया, वो नहीं है। सर्वाइकल था वो भी चला गया। स्टेज का फैटी लीवर बता, फैटी लीवर था सेकंड स्टेज का। क्यों? क्योंकि जो खाते हैं वो खा खा के सो जाते हैं और सुबह कुछ करते नहीं, ना अंदर से निकलता ना पसीना निकलता, इसलिए शरीर रोगी हो जाते हैं। तो इन्होंने इसके साथ साथ योग अभ्यास भी बहुत अच्छे से किया और फैटी लीवर तो बहुत आराम से, बहुत समस्या है उसको आप सात्विक फूड से बिल्कुल पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और बताइए। और मेरा सर्वाइकल बिल्कुल चला। अच्छा, इनको तो 2-3 दिन बाद इन्होंने बताया था, गर्दन भी ऐसे नहीं मुड़ती थी। देखिए, सर्वाइकल जो रोग कहते हैं, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सर्वाइकल कैसे ठीक हुआ आज बताओ, आज क्या हाल है? आज कुछ भी नहीं है मुझे। कितने दिन में सर्वाइकल ठीक हो गया आपका? सर्वाइकल भैया 3-4 दिन में मुझे आराम हो गया था। ये देखो, 3-4 दिन के अंदर ही सात्विक फूड ने इतना जादू किया इनका, जो दर्द था गर्दन मुड़ती नहीं थी, दर्द रहता था, परेशान थे कई सालों से, वो ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ, और आपका जो पीसीओडी की समस्या थी, जो सिस्ट थी, रिपोर्ट्स कहाँ है आपकी? रिपोर्ट्स बताओ, कहाँ है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स भैया है मेरे पास है, मैंने अभी कराया था वो, तो रिपोर्ट्स में ये आया है कि सिस्ट मतलब हाफ साइज हो गया है। अच्छा, पहले इनका बड़ा था वो आधा हो गया, अब मैं कहता हूँ 1 महीने में 1.5 महीने में इनका वो भी, जैसे शरीर में कोई भी सिस्ट बनता है उसको शरीर, अगर हम सात्विक फूड खाना चालू करते हैं, इम्यून सिस्टम को पूरा टाइम मिलता है उसको पिघलाने के लिए, तो उस सिस्ट को पिघला भी सकती है। ये पूरा ये आपके लिए एग्जांपल है इसकी, किस तरह से इनका सिस्ट भी अब पिघलना आधा रह गया है। अब इन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया था, उसमें ये सारा आया है। अच्छा, और बताओ, और आपको कमर में दर्द भी रहता था? हाँ जी, बैक में मैं बैठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल भी, इतना ज्यादा बैक में पेन था। अच्छा। और अब मतलब मैं पता भी नहीं लगता है मुझे कहाँ गया मेरा बैक का पेन, बिल्कुल गायब हो गया। अच्छा अच्छा, और वेट लूज की कैसे कितना हुआ आपका? वेट लूज भैया 10 किलो मेरा हो गया। अच्छा, 10 kg इनका वेट लूज हो गया। देखिए, अब जो कितना मेहनत करते थे पहले बताओ? पहले 7-8 किलोमीटर वॉक करके आती थी मैं, उससे 1 इंच भी कम नहीं होता था बिल्कुल भी। 1 इंच भी कम नहीं हुआ तो हर, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी पेट में थी, पेट की प्रॉब्लम जैसे ही ठीक हुई और भी सारे रोग अपने आप ठीक होने लगे। तो क्या कहेंगे जिनको भी, या को सिस्ट है या जो महिलाएं
दवा खा खा के अपने दर्द को दबा लेती है और फिर वही रोग का अन्य कारण बनती है, क्या कहेंगे उनके लिए? यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर वाली दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो लेके थक चुकी थी मैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो मैं सर्जरी के तरफ ही जाने वाली थी। लेकिन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि सात्विक लाइफस्टाइल ज्वाइन करो और इससे फलाग उठाओ, ये इससे मैजिक होता है, सच में मैजिक। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप उसको पूरी ईमानदारी से अच्छे से फॉलो करेंगे। ये नहीं है क्या करूँ जी, मुझे तो है ना ये खाना है, ये घर में ये बनाना पड़ता है, ये सब होता है। ये हर काम करते हुए, घर का काम करते हुए, सब कुछ करते हुए इन्होंने फॉलो किया। अच्छा, मुश्किल है या सहज है? बहुत आसान है भैया। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कोई ये पूछते हैं हम तो वर्किंग है या हम बाहर रहते हैं, हमारा ट्रैवलिंग होता है या कुछ होता है तब? नहीं, ट्रैवलिंग है तो साथ में लेके जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूस है, फ्रूट है, फ्रूट तो हर जगह मिलता है, जूस भी हर जगह मिलता है। अच्छा, कई बार पूछते हैं तो ये तो बताते नहीं क्या खाया पिया, ये तो बताओ क्या खाया पिया, सबको बताओ क्या खिलाया पिलाया आपको हमने, ऐसा जिससे दादू हुआ ऐसा? मैंने जूस पिए, फ्रूट खाए, मैंने ड्राई फ्रूट खाए और मैंने जो मिलेट्स के डाइट होती है वो ली है मैंने, तो मतलब उससे मैं बिल्कुल फिट हो गई, बिल्कुल फैट से फिट हो गई। अच्छा, फैट से फिट हो गई। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये तो ये समझ लो पहले कहते थे मैं तो काम करके ऐसे पड़ी रहती थी बिस्तर में पड़ी रहती थी, मतलब हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। कौन सा फूड जो रेगुलर फूड आप खा रहे हो या वो इन्होंने खाया और खा रहे हो? सिर्फ रोटी, दूध, चावल, सब्जी, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, पकोड़ा, पिज्जा, ये सब खा के, ब्रेड, सुबह सुबह उठ के ब्रेड खाते हैं, पहले चाय पीते हैं तो वो पीते थे। अब इन्होंने कहीं गन्ना जूस पिया, कहीं गाजर जूस पिया और सारे इतने जूस तरह तरह के पिए, तो उससे इनकी एनर्जी इतनी बढ़ी, पहले जो पड़े रहते थे, अब बताओ उसके बाद क्या हुआ? नहीं, अब तो मुझे थकान ही नहीं होती और बिल्कुल रेस्ट करने का मन ही नहीं करता कि दिन में कि मैं रेस्ट कर लूँ, बस अपने काम में जो काम है वो, मतलब उस पहले तो खाया और लेटी और खाया और लेटी, काम तो करने का मन ही नहीं करता था, लेकिन अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि फुर्ती आ गई है बिल्कुल। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है, आप इसी तरह से सात्विक आहार लेते रहो, पूरा जीवन भर खुश रहो, स्वस्थ रहो। और आपने कुछ सीखा भी सात्विक लाइफस्टाइल में? क्या क्या नई चीजें सीखी? नई चीजें हमने किन से सीखी? इंदु जी है हमें सिखाने वाली, हमारी हेल्थ सेफ है, वो सिखाती है हमें सारी चीजें कैसे बनानी है, वही हमें डाइट के बारे में बताती है कि इस तरह से आपको ये ऐसे इस तरह से फॉलो करना है और इसमें इतनी चीजें लगेंगी, ये चीजें बनेंगी, तो हम उन्हीं के जो हमें बताते हैं उसी तरह से हम बनाते हैं। चलो उनका भी धन्यवाद करो, उन्होंने सिखाया। इंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और लवकेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें फैट से फिट कर दिया बिल्कुल। तो आप भी देखना, देख के ये नहीं है कि करने से होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, जो होगा वो करने से ही होगा, करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीमार आप है, रोगी आप है, ना कोई डॉक्टर करेगा, ना कुछ करेगा, ना परिवार वाले करेंगे, सिर्फ आपने करना है, आप करोगे तभी आप ठीक होगे। तो ऐसे ही आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। ओम शांति। थैंक यू।